तेनं करणं तेनं समेनं राहेग्ये नाम नैरे होत्था रिद्धि थीमिये समिधे गुणसीरिये चैये सुहम्मे अनगारे समोसदे जम्बो जाव पजुवास एवं व्यासी जैनं भन्ते समणेनं भगवया महावीरेनं जाव संपत्तेनं दुह विवागणं अहे मठे पणत्ते सुह विवागणं भन्ते समणेनं भगवया महावीरेनं जाव संपत्ते के अठे पणत्ते तेनं से सुहम्मे अणगारे जम्बुः अणगारे व्यासी एवं जम्बुः खलु जम्बुः समणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेन सुह विवागण दसजेण पणत्ता तंजा सुबाहु भदनंदी यह सुजाहे सुवासे तहेव जिनदासे धनवहे यह महाबले भदनंदी महाचंदे वरदत्ते। ये सुख विपाक सूत्र के विषय में बताया। सुख विपाक सूत्र की जो चर्चा है वो कैसे प्रारंभ हुई ये भी हमें जानना है। पहले हमें ये समझ लें कि शास्त्र का नाम है दुख विपाक और जो दूसरा जो उसका जो अध्याय है उसका नाम है सुख विपाक। हम दुख विपाक की चर्चा न कर हम सुख विपाक की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी जो भगवान महावीर के शिष्य थे और पंचम गणधर थे और प्रथम आचार्य थे आर्य सुधर्मा स्वामी। आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे आर्य जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी प्यासे थे, उनको प्यास लगी हुई थी। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं और फिर आप क्या करते हैं, प्यास को शांत कर लेते हैं। प्यास लगी है तभी आप पानी का महत्व समझते हैं, उससे पहले जो है पानी का कोई महत्व आप समझते नहीं है कि पानी का मूल्य क्या है। जो प्यासा व्यक्ति है, जो प्यासा है वही पानी का मूल्य समझता है कि पानी का मूल्य क्या है, उससे पहले पानी का कोई मूल्य नहीं। बहाता रहता है, प्रभावित करता रहता है। पानी को पीने से शांति मिलती है, इंद्रियों की जो हलचल है वो शांत हो जाती है। जो आपका मन बेचैन रहता है, जो हमारा मन बेचैन रहता है कि पानी पी लूं, बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी है, पानी पी लूं, और वो भी कौन सा पानी, ठंडा पानी। गर्मी के अंदर कौन सा पानी की मन में इच्छा रहती है, ठंडा पानी पीने। लेकिन संत जो है, संत के मन में कामना नहीं रहती, चाहे ठंडा मिले चाहे गर्म मिले, उसे तो पानी चाहिए बस। पानी जो उसका मर्यादा है, जो उसकी मर्यादा रूप जो उसने लेना है वैसा पानी उसे प्राप्त करना है, और उससे क्या कर लेता है, वो अपनी प्यास शांत कर लेता है।
संत के लिए ये भी कहा है, उसे पानी मिले या ना मिले उसे उसे घबराना भी नहीं। अगर हम पानी की याचना करने के लिए गया हुआ है, पानी की याचना कर रहा है, अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। संत चिंतित नहीं होते, संत दुखी नहीं होते, यही संत और ज्ञानी की क्या है बात है। लेकिन गृहस्थ जो आम इंसान है, अगर पानी ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। बाहर से आया है, घर में आया है, प्यासा है, आने के साथ ही क्या है, आदेश देता है अपनी घरवाली को, नौकर को, पानी ला, ठंडा पानी ला, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी करो। अगर लाने में देर हो जाए तो झगड़े कलह शुरू हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, सुख शांति खो जाती है, सारे जो है विवाद खड़े हो जाते हैं। यही दृष्टि है, ज्ञानी जो है संभाव में जीवन जीता है और एक संसारी व्यक्ति जो है उसमें संभाव ही नहीं है। संभाव न होने के कारण जो है आज समाज में, परिवार में, स्वयं के पर्सनल जीवन के अंदर क्या है, अशांति बनी हुई है। तो जम्बू स्वामी क्या थे, प्यासे हैं, उनको प्यास लगी है, आध्यात्मिक जगत का प्यास उनमें जागा हुआ है, कोई संसार की प्यास नहीं है, कोई कामना नहीं है, उनकी आध्यात्मिक प्यास जो है इतनी तीव्र हो चुकी है, इतनी तीव्र हो चुकी है कि वो पाना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में, जब आध्यात्मिक यात्रा में जब आपकी प्यास अगर जब तीव्र हो जाती है तो आपकी यात्रा भी उतनी ही तेजी के साथ क्या है, बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये खैर जो ये प्यास है, ये प्यास को जगाना होगा। पानी पीने से शरीर का प्यास शांत हो जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर प्यास लग जाती है। आपने अभी पानी पिया, अभी कुछ पिया, अभी कुछ खाया पिया, जो भी किया, थोड़ी देर के बाद फिर क्या, फिर वही हालत हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक साधना ऐसी है, आध्यात्मिक आराधना ऐसी है, जितना जितना व्यक्ति उसको पीता है, जितना जितना व्यक्ति आगे चलता है, उसकी तृप्ति क्या है, होती चली जाती है, वो तृप्त होता चला जाता है, उतना उतना क्या है, वो पूर्ण होता चला जाता है, उतना उतना क्या है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये आध्यात्मिक तृप्ति है। वो जो तृप्ति है वो आत्मा की तृप्ति है, वह तृप्ति जो है कभी खत्म नहीं होती है, कभी आपसे अलग नहीं होगा। वह तृप्ति स्वभाव, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव की तृप्ति है। तो जम्मू स्वामी प्यासे हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी के पास आए हैं, वो कुछ लेना चाहते हैं, उनका प्रश्न है सुख विपाक सूत्र को लेकर। तो ये देखते हैं कि आर्य सुधर्मा स्वामी उनकी प्यास को शांत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चर्चा हम अगले समय में करेंगे। आज इतना ही। अब पूज्य गुरुदेव की मुखारविंद से अरिहंत भगवान की मंगलमय वाणी को सुन। धम्मो मंगलम् कीर्तनम् अहिंसा संयम तवो देवा वेतन नमन संति जसमणो उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, कल
आपके सामने गुरुजनों के दर्शन एवं धर्म श्रवण के संबंध में कुछ चर्चा की थी। गुरुओं का जो सानिध्य है वह सानिध्य तो मंगलकारी है, क्योंकि उनकी जो संगति है वह संगति इस जीवात्मा का कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है, तब जाकर के उनकी संगति मिलती है। बाकी तो हमारी जीवात्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है, जन्म और मरण की जो भाव परंपरा है वे सब चल रही। जो जन्म मरण और संसार के जो दुख बने हुए हैं उसका कारण बताया गया है कुसंगति। क्या कारण बताया भाइयों? जो कुसंगति है यानी बुरे लोगों का संग करना, जहाँ पर अब रहे हैं बुराइयां रही हैं, जीवन दोषों से भरा हुआ है, उन लोगों के पास में जब हमारा उठना बैठना बनता है, हम उनका संग करते हैं, तो वहाँ पर रहने वाली जो बुराइयाँ हैं, सारी की सारी जो बुराइयाँ हैं हमारे जीवन में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उस बुरी संगति में जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर जो हमारी इंद्रियाँ हैं उन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों की उत्पूर्ति होती है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वे सब छंद बनती हैं। उस बुरी संगति में बैठ कर जो हमारी इंद्रियां हैं वे सब छंद बनती हैं और उन इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन में कितने कितने पापों का अर्जन कर लेते हैं। तो पहली बात
हमारे सामने आई है, जो कुसंग है, बुरे लोगों की जो संगति है, वह संगति है संसार भ्रमण का कारण। जो हमारे जीवन में दुख बने हैं और भाव यात्राएं चलने लग रही हैं, इन सब के अंदर इसका जो निमित्त है, वह निमित्त है इस जीव की बुरी संगति। महापुरुषों की जो संगति है, वह जीवन को बदलने वाली। जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, किसी भी पूज्य संत मुनिराज के पास पहुंचे, जब हम वहां पर गए, मन उदास था, मन के अंदर अनेक तरह की चिंताएं बनी थी। जब हम अपने गुरुओं के पास गए, गुरुओं के दर्शन किए हैं, जो हमारे मन के अंदर चिंता की स्थितियां थी, दूर हो गई। जो चेहरा उदास बना हुआ था, चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई थी, अब गुरुओं के सानिध्य में जो व्यक्ति गया है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। और गुरुओं के पास में हम खाली गए थे, लेकिन जब वहां से हम लौटे हैं, वो तो हमारी झोली भरी हुई है। यह सब उन पूज्य गुरुजनों का, संत मुनियों की कृपाएं हैं, उनके सानिध्य में रहने वाला जो आनंद मंगल है, वह आनंद मंगल हमें प्राप्त होता है। इस संबंध में हमारे गुरुजनों के बहुत सारे संस्मरण है, जहां पर हम देखते हैं, जहां पर अनेक प्रकार की तकलीफें बनी थी, लेकिन उन गुरुओं की कृपा से सारी की सारी जो तकलीफें हैं, वो तो सब दूर हो गई। हमारे गुरु महाराज योगी राज श्री राम जीलाल जी महाराज, मुनक के अंदर उनके जो बड़े गुरुजन थे, श्री बनवारी लाल जी महाराज थानापति के रूप में वहां पर विराजित, और उनकी सेवा में गुरुदेव योगी राज जी। एक दिन बनवारी लाल जी महाराज बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन है, संतों ने हार पानी कर लिया है और समय होगा लगभग 2 बजे का। इतनी ही देर में एक कोई बच्चा स्थानिक में आया, उसने गुरु महाराज श्री बनवारी लाल जी महाराज से विनती की है, गुरुदेव हमारे यहाँ पर हार के लिए चलना है।
बनवारी लाल जी महाराज इस बच्चे को जानते हैं, ये किन के घर से बच्चा आया है, किसका बेटा है। तभी बनवारी लाल जी महाराज ने योगी राज जी महाराज का आवाज दी है और आदेश जारी कर दिया है, योगी राज इस बच्चे के साथ में इनके यहाँ पर हार के लिए जाना है। गुरु महाराज योगी राज जी भी देख रहे हैं, संतों ने हार पानी कर लिया है और हार पानी का जो समय है वो तो समय भी नहीं है, परंतु बड़ों का आदेश है, बड़ों की आज्ञा है, पात्र उठाया है, बच्चे के साथ में चल दिए हैं और बच्चा उनको अपने घर के ऊपर उतले गया। जब गुरु महाराज उस घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है, एक ही नजर में जान लिया है ये जो घर है किसी गरीब का घर है। अंदर गए, बहन रोटियां बना रही थी, गुरु को देखा है, कितनी खुशी हो गई है, गुरु महाराज पधारो कृपा करो। योगी राज जी महाराज ने अपना पात्र रख दिया है, बहन ने चार रोटियां उठाई हैं, गुरु महाराज ने कहा बहन इतनी रोटी हमें नहीं चाहिए, हमें तो आधी रोटी दो। बहन कहने लगी गुरु महाराज हमारे यहाँ तो जो भोजन है वो देर सवेर में बनता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है, और हमारे गुरु हमारे यहाँ पर आए हैं, कृपा करो गुरु महाराज ये रोटियां दो। जब गुरु महाराज ने उस बहन की बात सुनी है, छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं और परात के अंदर जरा सा आता है, ये सब स्थितियां गुरु महाराज योगीराज जी देख रहे हैं। जब ये सब स्थितियां देखी, गुरु महाराज बड़े दयालु थे, करुणा पुरुष थे, उनकी आंखों से आंसू बह चले हैं, अपने आप को संभाला है, आधी रोटी पात्र में ली है, वापिस लौट आए हैं और बनवारी लाल जी महाराज से कहने लगे गुरुदेव ऐसी कृपा करना, उस घर के अंदर मुझे हार के लिए नहीं भेजना। बनवारी लाल जी महाराज ने सुना और कहने लगे योगी राज जी क्या बात हो गई। गुरु महाराज ने वहां गया, मैंने उनकी स्थिति देखी, मेरी आंखों से उतास बह गई। गुरु महाराज कृपा रखना उस घर के अंदर मुझे मत भेजना। बनवारी लाल जी महाराज ने सुना एकदम गंभीर हो गए हैं और गंभीर हो करके कहने लगे अरे योगी राज जीत के लिए योगी राज की आंखें बह जाएं, वहां पर गरीबी क्या करेगी। ऐसे उन्होंने वचन बोले, बात आई गई हो गई है, लेकिन इसके महीने दो महीने के बाद में उस घर की इतनी स्थितियां बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है और देखते ही देखते साल दो साल में इतना बड़ा उनका व्यापार चल निकला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस परिवार के जाने वाली पीढ़ियां हैं वो आज भी हैं और इस बात को बड़े गर्व के साथ में कहती हैं हमारे परिवार के ऊपर योगी राज जी महाराज की कृपा हुई थी। दिल्ली में बम्बई में लुधियाना के अंदर उनके बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, बड़े बड़े व्यापार उनके हो गए हैं, यह सब जो कुछ बदलाव हुआ है उस परिवार के ऊपर उन गुरुओं की पावन कृपा हो गई। तो जो गुरुजन है उनका जो सानिध्य है, उनके जो पावन दर्शन है, उनके द्वारा जो धर्म श्रवण का अवसर है, ये संसार में इतना दुर्लभ है।
जब इस जीव का कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय में आता है तब जाकर के ऐसे संजोग मिलते हैं। तो हमने अपने गुरुओं का सानिध्य और उनके दर्शनों का लाभ लेना है। जो लोग गुरुओं के सानिध्य से जुड़े हैं और उनके साथ में उनका आना जाना बना है तो शरण लेना, उसके यहाँ पर किसी भी बात की कमी नहीं होती। तो बंधु और मेरी बहनों, हमने अपने गुरुओं से लाभ लेना है। जो गुरुओं के दर्शन है वो संसार भव भ्रमण को मिटाने वाले हैं और जीवन को सुखी बनाने वाले हैं। जो गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं उनका जीवन यहाँ पर भी सुखी है और आगे भी सुखी है। समय हो गया है, शेष चर्चाएं हम कल कर पाएंगे। आज यहीं पर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आज के पक्षकांड में हरी सब्जी में पालक का त्याग रहेगा और फलों में पाइनएप्पल का त्याग रहेगा। मिठाई में पेठे की मिठाई का त्याग। समझ में आ गई भाइयों, ये तीन त्याग अपनी धारणा की बहुत सरे। और जाप में छठे तीर्थंकर श्री पदम प्रभु देवाय नमः इस पद की एक माला करनी है। से सूचनाएं हमारे महामंत्री भाई नितिन जी।